Scorpio. फॉर्चुनर एंडेवर सारी गाड़ी देख ली लेकिन एक लग्जरी का भी फील होता है अब देखिए अगर आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कोई नेता नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक ऐसी फैमिली कार चाहिए एक अच्छे बजट में फैमिली कार तो नहीं मतलब इससे आप थोड़ी बहुत ऑफ भी कर सकें थोड़ा सा भहोकाल भी बना सके फीचर्स भी अच्छे खासे अगर आपको मिल जाए चा दिख रही है क्या वैसे तो समेन में आपने देख ही लिया होगा तो भाई मैं बात कर रहा हूँ आपकी और सबकी हालांकि दो गाड़ी 2015 में इंट्रोड्यूस होने वाली हालांकिट पेट्रोल में मैनुअल है, है, तो है तो भाई देखिए गाड़ी का ओवरऑल व्यू देखिए मतलब गाड़ी के आगे से एक अच्छा खासा पंची बल्कि लुक देती है यहाँ पे पूरी ग्रिल पे क्रोम की फिनिश आपको मिलेगी हिंडई का लोगो मिल जाएगा और भाई सामने से जो आप ग्राउंड क्लियर देख रहे हैं ना 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है यानी 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इन ऑफ इंडियन रोड्स के लिए ऑफ के लिए बिना के ऑफ रोडिंग के लिए कंपनी क्या प्रेफर करती है कंपनी नहीं है नहीं तो सो लोकल बंदे होते हैं 190 mm से 210 सौ दस के बीच की ग्राउंड क्लियरेंस एक अच्छे ऑफ के लिए जानी जाती है तो भाई अगर एक सौ नब्बे एम इसकी ऑफ रोडिंग बता रही है भाई एक सौ नौ नब्बे एम की ग्राउंड क्लियर है तो अच्छी खासी ऑफ कर सकती है अब फ्रंट से बात करें तो भाई बिना कुछ बोले डीआरएल आते हैं इसमें एल ई डी फ्रंट लैंप में फ्रंट में आपको एल ई डी मिल जाएगी डी आर एल मिल जाएगा क्योंकि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं उनमें डी आर एल हैं डे रनिंग लाइट में तो भाई देखिए बाहर से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है यहाँ पे देखिए इसका ए पिलर बी पिलर जो है ये दोनों ब्लैक कलर में दिया लेकिन ये जो सी पिलर पी पीछे है इसमें थोड़ा सा कलर का टोनिंग चेंज किया यानी ये जो रूफ रेल्स ना उसके हिसाब से इसके कलर को यहाँ पे मैच कर दिया है अब देखिए व्हील की बात करें एलाई व्हील मिलते हैं इसमें जेके के टायर्स मिलेंगे और अगर साइज की बात करें तो भाई सत्रह इंच के टायर आते हैं इसमें और कि ये डायमंड कट अलॉय व्हील नहीं है नॉर्मल अलॉय अलाउव नहीं है और यहां देखिए डोर क्लैडिंग गाड़ी बाहर से ऐसी दिखती है ओ आर वी एम जो है आपको ऐसा दिखता है इस साइड इंडिकेटर आपको यहीं मिल जाएंगे इस पर नहीं मिलने वाली क्योंकि भाई टॉप मॉडल है तो अब चलते हैं गाड़ी को हम अंदर से दिखाते हां गाड़ी की चाबी दिखा देते हैं इस तरीके से आपको दोनों सेंटर लॉक मिल जाएगा और गाड़ी को हम करते हैं अनलॉक पीप पीप तो गाड़ी को जैसे ही आप खोलते हैं ये देखिए भाई अंदर का फील देखिए यहाँ पे यहाँ तो आपको दो बॉटल होल्डर मिल जाएंगे यहाँ पे आपको डुबल टोन में ये जो अंदर के जो गेट का जो सीनरी हुआ है पूरा डुबल टोन में मिलेगा पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और गाड़ी का जब अंदर भी देखते हैं ना भाई एक अच्छा खासा लग्जरी और प्रीमियम लुक आता है क्योंकि डैशबोर्ड में डुबल टोन दे रखा है और यहाँ देखिए अच्छा खासा मतलब मेरी हाइट है पाँच आठ पाँच नौ के करीब मैं बैठा हूँ और अच्छी खासी मुझे व्यू आगे का अच्छा खासा व्यू मिल रहा है डैशबोर्ड एक अच्छा फील देता है और ये देखिए स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे ए के वेंट्स थोड़े अलग मिलते हैं इसे मारुति और हिंडे जो देता है ना वो मतलब थोड़ा डिफरेंट देते हैं तो हिमडे हमेशा अपने इस तरीके के ए वेंट्स के लिए जाना जाता है हर कंपनी की एक पहचान होती है और यहाँ पे देखिए आपका हेडलाइट लेवलिंग स्टार्ट स्टॉप के बटन यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप की बटन मिलेगी किसे आप स्टार्ट स्टॉप अंदर कहीं घुसेड़ के नहीं करने वाले हो कि से आपको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी स्टेरिंग पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा 10.25 पॉइंट का म्यूजिक सिस्टम स्कॉर्पियो से भी बड़ा म्यूजिक सिस्टम आपको मिलेगा भाई सारे कंट्रोल से देखिए आप इसको चाहो तो टच पर भी ऑपरेट कर सकते हो बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो किसी भी तरीके हज़ार लैंप हजार लैंप यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे जो है ना ए जो आप कंट्रोल करेंगे ए के कंट्रोल से यहाँ पर आपको दिखाएंगे ए तेज है फ्लो है फ्लो वगैरह सब इस स्क्रीन पर दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए बारह वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है यूजी टाइप पोर्ट दे रखा है और यहाँ पे देखिए एक और चार्जिंग का सॉकेट दे रखा है मतलब अभी यूजी भी चाहो तो लोग चार्ज करते हैं लेकिन भाई मत करिए क्योंकि उसके बैटरी की पावर आपकी बैटरी खराब होती है आप यहाँ से जो कंपनी अलग से दे रही है उसमें चार्ज करो या फिर जो बारह वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है इसके लिए एक मशीन ले लो उसमें लगा लो और यहाँ पे देखिए वायरलेस आपको चार्जर मिल जाएगा अगर आपके फोन में सपोर्ट करता है तो रखिए सिक्स स्पीड मैनुअल बॉक्स देखिए अब गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये गाड़ी आती है पेट्रोल में पंद्रह सौ इंजन के साथ जो गाड़ी आपको प्रोड्यूस करके देती है एक सौ की पावर और टॉर्क की बात करें तो एक सौ का टॉर्क आता है हालांकि देखिए इस गाड़ी में मुझे छोटा सा ड्रॉबैक लगा ये गैप देखिए मेरी पांच आठ की हाइट है और मैं बैठा हुआ हूं और देखिए बहुत ही कम स्पेस बच रहा है इस गाड़ी में तो थोड़ा सा हिंडा के भैया आप बीस लाख की गाड़ी दे रहे हो अगर आप वही स्कॉर्पियो में बैठते हो या हेरियर में या टाटा किसी गाड़ी में बैठते हो बीस लाख के बजट में तो अच्छा खासा आपको गैप मिलता है यहाँ पे हेडरूम में लेकिन ये देखिए अंदर वाइज अंदर से थोड़ी सी दबी हुई सी गाड़ी लग रही है ये लेकिन ठीक है जो लग्जरी फील है लग्जरी फील में बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हो रही डैशबोर्ड आपको यहाँ पे इससे यहाँ पर बॉक्स मिल जाएगा सिर्फ एक ग्लो बॉक्स मिलेगा आपको इसमें छह एयर बैग मिलने वाले जहां तक मुझे पता क्योंकि मैंने देखा नहीं छे एयर बैग तो आते हैं इस गाड़ी में यहाँ पे देखिए आपको आ, ग्लास होल्डर मिल जाएगा और देखिए भाई सनरूफ सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी कर ली मैंने स्टार्ट और देखिए देखिए ये सनरूफ अच्छा खासा सनरूफ जो आपको पूरा का पूरा फील देगा पीछे तक पीछे वाले तक के लिए मजा है पूरा ये देखिए इंडियन सीसी के लिए मरते हैं सनरूफ के लिए तो भाई आपको इस बजट में सनरूफ मिल जाएगा आपको स्कॉर्पियोन गाड़ी में सनरूफ नहीं मिलने वाला है तो मैं अभी इसको कम करता हूँ ये देखे सन रूफ अब मैं सन रूफ को बंद करूंगा और यहाँ देखिए 360 डिग्री व्यू कैमरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो बटन दे रखी आपको थ्री सिक्सटी कैमरा इसको जैसे आप टैप करेंगे आपकी स्क्रीन पे आपकी गाड़ी का 360 सिक्सटी व्यू आ जाएगा पूरी तरीके हालांकि अब ये स्टार्ट हुई है, तो भी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा तो ठीक है ये है पूरा हाँ, आगे का अब मैं पीछे दिखाऊँ गाड़ी को मैं बंद कर देता हूँ पीछे वाली रो में आपको कैसा फील आएगा जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो वो वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार जैसे आप पीछे वाली रोक खोलते हैं गाड़ी में देखिए फिर से थोड़ा सा अगर कोई अच्छी लंबी हाइट वाला बंदा है ना तो उसको थोड़ी सी घुसने में प्रॉब्लम आएगी लेकिन घुसने के बाद देखिए ये देखिए भाई हेड रूम की प्रॉब्लम यहाँ पे भी है लेकिन जो लेग स्पेस है भाई बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है मैं गेट आगे का एक बार बंद कर दो क्योंकि टुन बज रही है गाड़ी तो यहाँ देखिए अंदर से हेडरूम की वही कमी लेकिन लेग रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं ऑब्वियसली अगर आप बीस लाख रुपए खर्च करते हो तो लेग रूम आपको अच्छा खासा मिलेगा लेकिन लग्जरी का कोई फील कम नहीं हुआ और यहाँ देखिए यहाँ एक हैंडरेस्ट हैंडरेस्ट की भी कमी है मतलब अगर आप इतने बजट की गाड़ी लेते हो आपको होंड्रेस में पीछे दो ऐसे वेंट्स मिल जाएंगे एक आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाएगा यहाँ पे अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हो पीछे ये देखिए ग्रैप करने के लिए कुछ सामान रखने के लिए सीट के पीछे बकेट टाइप कुछ मिल जाएगा हेड्रेस जो है ना इस गाड़ी का इसका गाड़ी का हेड्रेस काफ़ी छोटा है यार एज कम्पेयर इससे बड़ा तो सात लाख के स्विफ्ट में आ जाता है बट ठीक है जैसी भी है आपको बीस लाख के बजट में एक अच्छी पावर के साथ एक होंडे के भरोसे के साथ एक अच्छी गाड़ी मिलती है तो ये गाड़ी बैक रो में कुछ ऐसी दिखती के मतलब पाँच लोगों के लिए अच्छा खासा है तो अब मैं ले जाता हूँ आपको पीछे इसके बूट स्पेस के बारे में बताता हूँ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ इस गाड़ी में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती है जैसे ये देखें अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं कहीं दूर ट्रिप पे जा रहे हैं कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में आपको मिलता है चार लीटर का बूट स्पेस अच्छा खासा सारा सामान आपका इस गाड़ी में आ सकता है देखिए पूरा स्पेस है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर अंदर की लाइटिंग भी दे रखिए अगर रात को अगर आप कहीं इसको ऑक्यूपाई करते हैं कुछ को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लाइट दे रखा है कंपनी में और स्पेयर व्हील की बात करें यहाँ देखिए स्पेयर व्हील विदाउट अलॉय व्हील का मिलेगा आपको वही सत्रह इंच के टायर्स मिलेंगे आपको लेकिन अपोलो का टायर यहाँ पर आपको स्पेयर में मिल जाएगा तो भाई ये था ओवरऑल आपके सामने नई वाली क्रेटा तो देखिए भाई 20 लाख के बजट में हालांकि इसके सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये इसको जब एनकैप में टेस्ट किया गया तो इस गाड़ी की थ्री स्टार सेफ्टी रेटिंग आई हुई है तो ठीक है 20 लाख के बजट में अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी गाड़ी कैसे लगी मैंने आपको पावर के बारे में बताया हाँ एवरेज की बात करते हैं एवरेज ये कंपनी क्लेम करती है पंद्रह का ये हाईवे पे सिटी में मिला के जो एवरेज एक एवरेज निकालती है पंद्रह का एवरेज देती है अगर आप इसको सिटी में रन कराते हो तो बारह से तेरह का एवरेज मिलेगा अगर इस पर हाईवे रन करते हो तो पंद्रह से सोलह से बीच को आपको इसका एवरेज मिल सकता है तो भाई पंद्रह सोलह का एवरेज हाईवे पे एक सौ तिरालीस एन का टॉर्क एक सौ की पावर पंद्रह सौ सी इंजन बीस लाख का बजट और कुछ माइनस पॉइंट्स मैंने आपको इस गाड़ी के बता दिए सिर्फ एक सन है और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है पावर है इसके चलते अगर आप 20 लाख रुपए लगा के क्रेटा लेना चाहोगे या दूसरी गाड़ी लेना चाहोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ अगर इस गाड़ी के बारे में और कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस गाड़ी के बारे में तो चलते हैं बाय